जी तो सिक्स क्लास अब हमने अपने पॉइंट्स देख लिए, अब हम जरा रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो रीडिंग में है कि फूड साइंस इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, के जो दिए गए अनासिर हैं इनसे फूड साइंस किसी न किसी तरीके से असरअंदाज हो रही होती है। सबसे पहले लाइट, सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड साइंसिस। सनलाइट जो है फूड साइंसिस के लिए बड़ी ज़्यादा अहम है, एज द इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत, इंटेंसिटी किसे कहते हैं शिद्दत को। जितनी सनलाइट की इंटेंसिटी शिद्दत ज़्यादा होगी, जितनी सनलाइट ज़्यादा होगी इंक्रीजेज बढ़ती जाएगी, एज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इंक्रीजेज, जैसे ही सनलाइट की शिद्दत बढ़ती जाएगी, सूरज की रोशनी बढ़ती जाएगी, द रेट ऑफ फूड साइंसिस इंक्रीज, तो फूड साइंसिस का जो रेट है, जो उसकी मिकदार है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एंड इट डिक्रीजेज, और फोटोसिंथेसिस की मिकदार कब डिक्रीज होगी, व्हेन देयर इज लो सनलाइट, और जहां जब सनलाइट कम होगी। वाटर, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक शुगर फॉर प्लांट, ये वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो इन्वायरमेंट से गैस ले रहा है उसका मिक्स अप होता है और वो क्या बना देता है, शुगर बना देता है। ये भी हमने क्वेश्चन के अंदर देखा। मोस्ट वाटर इन प्लांट सेल इवेपोरेट्स, कहता है जो मैक्सिमम वाटर है स्टोमेटा, जो हमने पोर पढ़ा था पीछे, स्टोमेटा के जरिए लीव के अंदर जो पोर्स होते हैं उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। उन पोर्स के जरिए सब जो मैक्सिमम पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, यही बुखारात बनकर इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है। सिर्फ 2% वाटर जब फोटोसिंथेसिस के लिए रह जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं फ्रॉम एयर, हवा से, एंड यूज इट, और इसको इस्तेमाल करते हैं टू मेक फूड, खुराक बनाने के लिए। प्लांट क्या करते हैं, हवा के हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के जरिए अपने अंदर ले जाते हैं और उसे फिर खुराक बनाते हैं। इट कंबाइंस विद वाटर, और यही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है और क्या बनाती है, शुगर बना देती है। शुगर प्लांट की क्या, फूड है। टेम्परेचर, प्लांट कैन बियर ओनली अ मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर, प्लांट जो बहुत कम टेम्परेचर को जो है वो बियर कर सकता है, यानी बर्दाश्त कर सकता है, विच इज़ फ्रॉम, वो टेम्परेचर कितना है, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 25 है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो 35 है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, कहता है अगर टेम्परेचर 35 से बढ़ जाए या 35 से कम हो जाए, 25 से मजीद कम हो जाए, तो क्या होगा, बिलो दिस रेंज, इस रेंज से नीचे क्या होगा, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज, द फोटोसिंथेसिस का जो मिकदार है वो कम हो जाएगी और खुराक कम बनेगी। फूड प्रिपेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंटेन्स स्टोर एनर्जी, कहता है जो खुराक बनती है, जो शुगर बन रही है फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और प्लांट रिस्पायरेशन प्रोसेस के जरिए इस एनर्जी को इस्तेमाल कर लेता है। प्लांट यूटिलाइज इस्तेमाल करता है दिस एनर्जी, इस एनर्जी को थ्रू अ प्रोसेस, एक अमल के जरिए, और उस प्रोसेस का नाम क्या है, रिस्पायरेशन। तो इंशाल्लाह कल हम रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ आपने तमाम के तमाम फैक्टर्स ही पढ़ने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल टॉपिक, और होमवर्क में आपने कार्बन डाइऑक्साइड टॉपिक लिखना है, सिर्फ 2 लाइनें हैं। होमवर्क में आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड टॉपिक लिखना है। तो डिड यू नो, पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू प्लांट, कहता है फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर नहीं होते, बल्कि बहुत से ऐसे एनिमल्स भी हैं जो समुद्रों के अंदर रहते हैं और उनके अंदर भी जो है फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। जैसे यहाँ पर उसने एक स्लग स्पीशी है जिसका नाम है एलिसिया क्लोरोटिका, ये एक स्पीशी का नाम है, स्लग की स्पीशी का नाम, क्या नाम है, एलिसिया क्लोरोटिका। ये स्लग क्या करता है, जो एल्जी है आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस करती है, ये ग्रीन कलर की होती है जो आपको पानी के ऊपर नजर आती है तैरती हुई, इस एल्जी से क्लोरोप्लास्ट छीन लेता है। आपको पता है जिस भी क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली का नाम है जो सेल के अंदर मौजूद होती है, और ये ऑर्गेनेली जिस भी बॉडी के अंदर होगी, बेशक वो जानवर हैं, बेशक वो प्लांट हैं, जिस भी बॉडी के अंदर होगी वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का अमल कर देगा। तो वो एल्जी से क्लोरोप्लास्ट ले लेते हैं एंड यूज देम टू मेक इट फूड, और अपनी खुराक, इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। इट इज़ एक्चुअली आ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, कहता है ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें स्लग और एल्जी दोनों को क्या होता है, फ़ायदा होता है, और ये जो रिलेशनशिप है वो एल्जी और स्लग के दरमियान होता है। ठीक है, इसमें एलजी को बकायदा, ठीक है जी, फिर मान लीजिए आपने सिर्फ यहाँ तक याद करना है।